प्यारे छात्रों, नीज भाषा, इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। इस कविता को सुनाता हूं, आप गौर से सुनिए। प्यारे छात्रों, नीज भाषा उन्नति है, नीज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। नीज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन नीज भाषा ज्ञान के, बिन नीज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं के सूर, मिटत नहीं के सूर। बिन भाषा ज्ञान के उन्नति है। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, सब गुण होत परवीन। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, सब गुण होत परवीन। पे नीज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, रहत हीन के हीन। बिन भाषा, नीज भाषा ज्ञान उन्नति, उन्नति पूरी है तभी, उन्नति पूरी है तभी, जब घर पर उन्नति हो। उन्नति पूरी हो तभी, जब घर उन्नति हो। नीज शरीर उन्नति किए, राहत मूड सबको, राहत मूड सबको। नीज भाषा उन्नति बिना कभू न होए सो, नीज भाषा उन्नति बिना कभू न होए है सो। लाख उपाय अनेक यूं, भले करे किन को, भले करे किन को, बिन नीज भाषा ज्ञान उन्नति, सब उन्नति को मोल। इस भाषा एक जीव, एक भाषा एक जीव, एक भाषा एक जूं, एक मति सब घर के लो। एक भाषा एक जूं, एक मति सब घर के लो। तबे बनत है सबको, मिटत मुड़ता सो, मिटत मिलता सो। नीज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को सूर। प्यारे छात्रों, ये दोहे जो आप सुन रहे थे, इन दोहों की जो कठिनता है, मैं समझता हूँ कि प्राचीन काल में कभी संत कबीर जी, तो कभी मीरा जी, इन दोहों को पेश किया करती थी। संस्कृत के इन दोहों को आप कितने आसानी से सुन रहे थे, कितनी आसानी से इसका पाठांतर कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। अब मैं पूछता हूँ कि इन दोहों के बारे में आप सरलता से क्या कहना चाहेंगे। हाँ, ये
छात्र जो बैठा है ये उंगली उठा रहा है, बताइए आप बताइए कि आप इसको सरल अर्थ में कैसे कह सकते हैं। अच्छा अच्छा आप बताना चाहेंगे, आप भी बताइए। बहुत खूब, बहुत शाबाश, बहुत अच्छे अंदाज से इस छात्र ने इस संस्कृत के दोहों का को जो है समझाने की कोशिश की है। अब मैं एक सादा शेर हिंदी के अंदर आपके सामने पेश करता हूं कि दिए दिल के जलाएं एकता की जोत से, रोशनी घर घर लुटाएं एकता की जोत से, और ये नफरत ये बदमनी ये शोर हंगामा फसाद, आओ इन अंधेरों को मिटाएं एकता की जोत से। तो प्यारे छात्रों, ये संस्कृत के दोहे और ये हिंदी का शेर, मैं समझता हूँ घर जाकर आप रहिए खुशहाल।